चलिए नोट करिएगा। हाँ जी, थोड़ा बहुत अंतर है वो बता रहा हूँ। देखिएगा, पैरामीशियम इज ऑल्सो अ टाइनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Paramecium is also a tiny unicellular organism. Paramecium is also a tiny unicellular organism which lives in water. बल्कि organism ना लिखकर animal लिखिए। Paramecium is also a tiny unicellular animal which lives in water. Full stop. Paramecium uses its hair-like structures called cilia. Paramecium uses to sweep the food particles. To sweep the food particles from water and put them into its mouth. सर वो जो आपने मेम्ब्रेन बताया था वो सेमी परमीएबल है या परमीएबल है? सेमी परमीएबल। भाई फूड वाला जो पार्टिकल आएगा, कोई ईटेबल पार्टिकल आएगा तो उसको तो अंदर ले आएगा वो, और जो ईटेबल नहीं होगा उसको नहीं, क्योंकि माउथ है यहाँ पर, कोई ना कोई मेम्ब्रेन तो लगा रहना चाहिए। मेम्ब्रेन नहीं होगा तो पानी भर जाएगा उसके अंदर। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन This was the first step in the nutrition of a paramecium. Ingestion is followed by other steps such as ingestion
digestion is followed by other steps such as digestion, absorption, assimilation and digestion. Digestion, absorption, assimilation. सर इसकी भी हमने ऐसे डायग्राम बनाए हर पार्ट में आप बताएं. Assimilation and digestion. In the same way as done by amoeba. ठीक है, तो पैरामीशियम का अगर न्यूट्रिशन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ उसका इंजेक्शन वाला बताना है, बाकी के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल सेम अमीबा वाले हैं. अंतर क्या है कि वहाँ पर जो इंजेक्शन होता है वो होता है सूडोपोडिया के थ्रू, और यहाँ पर जो इंजेक्शन है वो जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ये जो सीलिया है, ये सीलिया अब क्योंकि ये फ्लोट करता रहता है, ये पानी के अंदर चलता है, ये एनिमल पानी के अंदर होता है, तो पानी के अंदर जब ये मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो जो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो भी इसके साथ ऐसे 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 मूव करेंगे, है ना, आगे पीछे वो मूव करेंगे. अब कोई भी अगर फूड पार्टिकल आता है तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर ही उस फूड पार्टिकल को धीरे 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 माउथ की तरफ उसको ले आते हैं और माउथ की तरफ उसको डायरेक्ट कर देते हैं, और फिर ये मेम्ब्रेन खुल जाता है और वो पार्टिकल जो है वो उसके माउथ के अंदर चला जाता है. तो ये पहला प्रोसेस इंजेक्शन, बाकी सारे इसी शेप का होता है. इसकी शेप फिक्स है, जैसे अमीबा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, ठीक है, इसकी शेप फिक्स होती है, ठीक होता है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है इसमें, ठीक है. हाँ, नहीं नेक डाई से तो विजिबल नहीं है ना, क्योंकि एक सेल कहाँ दिखाई देता है. उसके बाद आप नोट करेंगे नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. हाँ भाई, बाकी के सारे स्टेप्स जो हैं बिल्कुल सेम है, अमीबा वाले हैं. और अगर मान लीजिए पैरामीशियम बहुत मतलब चार नंबर से ज़्यादा का, तो क्या आएगा, कितना सफिशियंट है, अमीबा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ जी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में लिखिएगा द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्वेंस आर. The various organs of the human digestive system in sequence are esophagus के spelling होते हैं OESOPHAGUS. ये हमारा food pipe होता है. The various organs of the human digestive system in sequence are mouth, esophagus, stomach, small intestine, आपसे पूरा न्यूट्रिशन वाला पूरा प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है डाइजेशन में से कुछ पार्ट पूछ लिया जाए, क्योंकि इसका डाइजेशन वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी बड़ा है. तो रेस्पिरेशन भी वो अगले में भी तो न्यूट्रिशन का रेस्पिरेशन भी काफ़ी पूछा small intestine and large intestine.
ठीक है, द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, which are associated with the human glands which are associated with the human digestive system, which are associated with the human digestive system and form a part of the human digestive system and form a part of the human digestive system are salivary glands, liver and pancreas. Salivary glands, comma liver. Sir, liver को और मैं छोड़ डालूँ? ये gland होता है और ये जो है actually glands का काम होता है, जैसे organ है, organ के अंदर तो processing होती है और जो ग्लैंड्स है सीक्रेट्स करता है, ये जूसेस सीक्रेट करता है। कभी भी हम अगर फूड की बात करते हैं तो फूड जो है, फूड हम इनटेक करते हैं, फूड का हम इनटेक करते हैं तो फूड स्टमक के अंदर जाता है, तो स्टमक क्या है, स्टमक एक ऑर्गन हो गया। हम पानी पीते हैं तो पानी किडनी के अंदर जाता है, फिल्टर होता है, तो वो जो है वो एक ऑर्गन हो गया। लेकिन जो लीवर है, लीवर के अंदर कोई चीज़ नहीं जाती, लीवर जो है वो बाइल जूसेस सीक्रेट करता है डाइजेशन के लिए। तो इसलिए जो भी चीज़ है, चाहे वो एंजाइम सिक्रीट करे, चाहे वो हार्मोन सिक्रीट करे, उनको ग्लैंड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। सिक्रीट का मतलब जानते हैं, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूस करके और फिर वो भेजता है कि कहाँ भेजता है, वो भेजता है स्टमक में। ठीक है, अभी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फिलहाल ये है कि द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर, तो सीक्वेंस क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमने खाना खाया कुछ भी, तो सबसे पहले माउथ में रखा उसको, माउथ में रखने के बाद उसको च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद फिर वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है, तो ये जो इसोफेगस है उसको फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप के थ्रू वो सीधा अंदर जाता है, फूड पाइप कनेक्टेड होता है स्टमक से, तो सीधा वो स्टमक में जाकर जो भी हम खाना खाते हैं सीधा स्टमक में जाते हैं। स्टमक में जाने के बाद में स्टमक से फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये सीक्वेंस है, ये फूड जो है उसको इसी रास्ते से ट्रैवल करना है, कैसे भी करके ऐसा नहीं होगा कि वो माउथ से सीधा स्टमक में आ जाए, इसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो माउथ से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, पहले उसको इसोफेगस में फिर स्टमक के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुँचता। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ये जो हमारा चेहरा होता है इसमें इस तरफ जहाँ पर ये हमारा जबड़ा होता है, इसका जॉइंट होता है, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। कभी नोटिस करना कि हम जैसे कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो यहाँ से आपने नोटिस करा होगा कि कुछ जैसे पानी सा सिक्रीट हो रहा हो। ठीक है, महसूस भी देता है खुद को कि यहाँ से जैसे कुछ सिक्रीट हो रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ खाते भी नहीं हैं, तो ग्लैंड्स का ऐसा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मूवी देख रहे हैं, एक ग्लैंड होता है बॉडी में जिसको कहते हैं एड्रीनलाइन ग्लैंड, एड्रीनलाइन पुश, जानते हैं जोश। तो वो जोश कैसे आता है, कोई भी आपने फिल्म देखी, आप सामने फिल्म देख रहे हैं, अभी आप ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई आपका मन नहीं कर रहा किसी भी काम का, आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त रिवेंज का कोई सीन चल रहा है, कोई फाइट का सीन चल रहा है। कहते हैं ना रिवेंज इज़ द प्योरेस्ट इमोशन, ठीक है, इमोशन सबसे ज़बरदस्त रिवेंज में ही होता है। अब वहाँ पर कोई ऐसा फिल्म में सीन चल रहा है कि फाइटिंग का सीन चल रहा है ना, अब क्या हुआ कि बाहुबली बेहोश पड़ा हुआ है और बाहुबली की माँ को उसने मारा,
तो सबको अपनी माँ याद है भाई, तो माँ को मारा है तो बहुत गलत बात कर दी इसने, है ना। अब जैसे ही बाहुबली को होश आया तो सबको बड़ा गुस्सा आया कि अब ये पता नहीं कुछ कर जाए, अब गर्दन उड़ा दी और गर्दन उड़ते 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 पता नहीं कहाँ गई। तो उस टाइम देखी थी मूवी की नहीं, इसीलिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोगों ने देखी होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो सबको अगर कोई नींद में भी बैठा हुआ है, अगर कोई नींद में भी बैठा हुआ है तो उसको भी एकदम से एड्रेनालाइन पुश मिला, तो वो जो काम करा वो किसने करा, वो एड्रेनालाइन ग्लैंड ने करा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं है, वो देखने से भी हो जाता है। अभी दूसरा एग्जांपल जो है सोसाइटी ग्लैंड्स का है, ठीक है। हमें गुलाब जामुन बड़े पसंद हैं, सामने रखे हुए हैं, तो खाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से मुँह में पानी आ गया, सोच कर ही आ गया, अभी बताते हुए ही आ गया, है ना। तो वो क्यों आया है, तो ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं इन ग्लैंड्स को सोचने से भी काम कर जाते हैं, कि आपने सोचा सोचने से भी काम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये ग्लैंड्स का काम होता है। ग्लैंड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के जूसेस सिक्रीट करते हैं। मेरे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवरी जूसेस को, सलाइवा जिसको बोलते हैं उसको सिक्रीट करना है। और इसी तरह से लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। और पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज का काम जो होता है, पैंक्रियाज का काम स्पेशल विटामिन को जो है डाइजेस्ट करने का काम पैंक्रियाज का। मैं बताऊँगा, अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये हमारा, हाँ जी बोलिए, स्पेशल विटामिन कौन से होते हैं। स्पेशल विटामिन ये हो गए, जैसे कि विटामिन ए है, अब विटामिन ए की बॉडी में कमी हो गई, है ना, हमने विटामिन ए की गोली खा ली, अब वो विटामिन ए की गोली चलो ठीक है माउथ के थ्रू इसोफेगस के थ्रू इसोफेगस के पास गई, स्टमक के पास गई। अब जो स्टमक है, स्टमक क्या करेगा, स्टमक जो है, स्टमक को ज़रूरत होगी, इंतज़ार करेगा, स्टमक के अंदर जो भी फूड है उसकी चर्निंग होती है, उसकी चर्निंग होती है। चर्निंग का मतलब क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, ऐसे 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 उसको फूड को तोड़ता रहता है, लगातार तोड़ता है, स्टमक के अंदर ही प्रोसेस होता है ना। और तीन चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एक तो आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक के अंदर मौजूद होता है HCl। HCl का काम कुछ नहीं होता, HCl का काम सिर्फ खाने के अंदर मिक्स होकर जो भी चीज़ हमने खाई है उसको एसिडिक बनाने का काम होता है, ठीक है। अभी दूसरा आ जाता है इसमें एंजाइम पेप्सिन, सुना होगा पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, विटामिन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही विटामिन नज़र आया तो पेप्सिन कह रहा है मेरा काम नहीं है, तो देख जल्दी अपना देख, है ना। तो वो अपना पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, फिर चलो भाई तू बैठ आराम से मैं देखता हूँ उसको। तो सबके स्पेशलाइज्ड काम जो असाइन करे जाते हैं ऑर्गन सिस्टम में होता ही है, ऑर्गन सिस्टम में होता ही है कि एंजाइम्स का रोल कम होता है और सारे ऑर्गन्स का रोल ज़्यादा होता है। कि हर स्पेसिफिक ऑर्गन, फॉर एग्जांपल जो लंग्स हैं वो ब्लड पंप करते हैं, पता है कि नहीं, हार्ट तो करता ही है, लंग्स ब्लड पंप करते हैं कि नहीं, ये पता है कि नहीं, अभी तक तो यही सुना होगा ना, अभी तक तो यही सुना होगा कि जो लंग्स हैं, लंग्स में सिर्फ और सिर्फ एयर ही आती है ना। चलिए, अरे मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल गया, सेक्शंस तो हार्ट के होते हैं ना, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, उल्टा सुनिए, उल्टा मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक तो यही सुना है ना कि ब्लड ही आता है बस, जो हार्ट है हार्ट के अंदर ब्लड ही आता है, एयर तो नहीं आती, आती है, ये पता है कि नहीं, ठीक है। नहीं, मैं उल्टा बोल गया, लंग्स में ब्लड नहीं आता, एक्चुअली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हार्ट में आती है, ये पता है कि नहीं, वो हार्ट में आती है और वहाँ पर मिक्सिंग होती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, कि अगर पानी आ गया तो पानी, अगर मान लीजिए चला गया तो पानी हार्ट में नहीं जाएगा, हार्ट का काम सिर्फ ब्लड का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे रिलेशन है उसका। लंग्स का काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट, ये काम होता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम में हर एक ऑर्गन को कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली असाइन करा जाता है काम। सर, जब HCl फूड को एसिडिक बनाता है तो स्टमक की वॉल पे म्यूकस शीत का काम करता है ना। एक्चुअली वो शीत का काम करता है, इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए HCl भी होता है, अरे सुनो तो सही, जैसे HCl, तो HCl या कोई भी एसिड है ना, मैं अभी HCl पर ही आऊँगा, या कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड की
एसिडिटी कैसे पता चलती है उसके पीएच वैल्यू से, पीएच वैल्यू आप पढ़ेंगे इसी साल पढ़ेंगे जीरो, उसको बोलते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मतलब पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो वो जो पीएच है वो पीएच अगर जीरो से सेवन के बीच में है किसी भी सब्सटेंस का, अगर पीएच जीरो से सेवन के बीच में है तो वो एसिडिक है, और सेवन से फोर्टीन की तरफ है तो फिर वो बेसिक है। जैसे जैसे पीएच ज़्यादा होता है ना जीरो से सेवन की तरफ, मान लीजिए फाइव है या सिक्स है या सेवन ही है, तो हम ये कहेंगे सेवन तक आती है वो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल का मतलब वो वाटर हो गया, कि वाटर का पीएच जो है वो सेवन होता है। सेवन अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच है तो हम ये कहेंगे कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू आपकी कम होती चली गई, कम होती चली गई किसी भी एसिड की, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा खतरनाक एसिड होता चला जा रहा है। खतरनाक इन द सेंस कि उसका बर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा चीज़ों को जलाएगा। हमें खाने को जलाना ही होता है, खाने का जो डाइजेशन होता है बेसिकली खाने को वो कंबशन ही चलता है उसका खाने। तो आप ये देखिएगा कि अब अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो एचसीएल होता है उसकी पीएच वैल्यू 1.5 होती है, हमारा जो माउथ है हमारे माउथ में भी एचसीएल होता है, पता है कि नहीं, माउथ में भी एचसीएल होता है उसकी वैल्यू 5.5 होती है, 5.5 मतलब ऑलमोस्ट 7 के नज़दीक है, तो इसलिए हमको कुछ जलन वलन का कोई एहसास होता नहीं, मतलब जला दो बॉडी को उसमें जाती है देख लो। तो स्टमक में 1.5 होता है एचसीएल की वैल्यू, पीएच की वैल्यू 1.5 होती है। अब अगर ड्यू टू एनी रीज़न, अब वो एनी रीज़न क्या हो गया, वो एनी रीज़न ये है भाई हमें चटपटा मसालेदार खाने की बड़ा आदत है, ठीक है, अब वो हम खा रहे हैं, ठीक है, मुझे भूख तो चार रोटी की लगी लेकिन 10 खाऊंगा, बस स्वाद आ रहा है वो खाया गया। तो उससे क्या होता है एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है। अब जब एसिड सिक्रीट होता है तो उसकी भी एक लिमिट है कि भाई इतना ही एसिड सिक्रीट होगा बॉडी में, उससे ज़्यादा होगा नहीं। अब जब उससे ज़्यादा होगा नहीं लेकिन खाना तो इतना आया हुआ है, अब या तो वॉमिटिंग हो जाएगी और नहीं तो इसको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए जो बॉडी का खुद का ही मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म ये होता है कि वो अपनी पीएच वैल्यू धीरे धीरे कम करने लगता है, कि एसिड को थोड़ा सा खतरनाक बना दो और ताकि खाने को जल्दी से डाइजेस्ट कर दे, समझ रहे हैं कि नहीं। एसिड की क्वान्टिटी तो नहीं बढ़ा सकता, तो एसिड की क्वालिटी बढ़ा देगा वो, है ना। तो एसिड की क्वालिटी और जनरली कब होता है, ये यंग एज में होता है, क्योंकि यंग एज में आप कुछ भी खाएं सब डाइजेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ओल्ड एज में दादा दादी जो है वो थोड़ा कहते हैं भाई हम मसालेदार ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको जलन होने लगती है स्टमक, ठीक। तो इसी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड का बड़ा रोल है। हम बात करते हैं म्यूकस की, एसिड तो आपने एसिड की पीएच वैल्यू तो कम हो गई, तो म्यूकस उस दौरान आपको बचाता है कि आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है कहीं ऐसा ना हो कि एसिड उसकी स्टमक की लाइनिंग को ही कोरोड करने लगे, जलाने लगे, और अगर उसमें कहीं से भी कुछ म्यूकस में खराबी आ गई तो जो स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, और छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं तो वो एसिड ना पूरी बॉडी में फैलने लगता है भाई, वो लीक होने लगेगा वहाँ से, वो बॉडी में फैलेगा और फिर जलन होने लगती है पूरी बॉडी में, स्टमक के आसपास सब जगह जलन होने लगती है, और जब जलन होती है तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है अल्सर, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं उसको, पेप्टिक अल्सर। तो वो पेप्टिक अल्सर जनरली उसी चीज़ का, जनरली उसी चीज़ को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, उन्हीं लोगों को होता है जो ज़्यादा मसालेदार खाते हैं या बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसका भी एक लंबी कहानी है, उसकी कहानी ये है कि कोई भी अगर ड्रिंक मतलब वाटर ठीक नहीं बता दूँ, कभी समझ नहीं रहे वो जो होता है ना, वो जो अल्कोहल कंजम्पशन होता है वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी बर्निंग वाली होती है और एसिड की प्रॉपर्टी भी बर्निंग वाली होती है। तो अगर कोई जैसे मिलिट्री मैन होते हैं तो मिलिट्री मैन को उनको बोला जाता है कि मिलिट्री मैन होते हैं कि भाई आप तो थोड़ा इतना बहुत दे लें, है ना। वो भी इस वजह से पता चला भाई वो ग्लेशियर वाले रीजन में हैं, सियाचिन वगैरह में, और बेचारे उनकी डेथ ही हो जाएगी, इतनी ठंड होती है, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, तो वो हीटिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है इस वजह से, है ना। तो वहाँ तक तो ठीक है, अब ये नहीं कि अपना तुम लगे ही पड़े हो, यहाँ वैसी गर्मी में आग लगी पड़ी है ना, ऊपर से पता चला जी हो गए। तो वो चीज़ जो है पहले से ही एसिड मौजूद है स्टमक के अंदर, आप उसके अंदर और आग लगाए जा रहे हो और उसके अंदर आप एल्कोहल और डाल दो, आग में घी डाल दो, तो इस वजह से ये चीज़ जो है ये डेंजरस होती है।
सबसे मुश्किल काम होता है जो भी हम खाना खाते है ना उस खाने में सबसे ज्यादा मुश्किल जो काम होता है डाइजेस्ट करना वो होता है प्रोटीन्स को। ठीक है, तो चना जैसे आप खाते हैं तो चने को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक, तो वो चीज जो है वो काम पेप्सिन करता है बॉडी में, और पेप्सिन ऐसे ही काम नहीं करता। पेप्सिन कहता है मेरे को एसिडिक मीडियम मिलेगा ना तो मैं काम करूँगा, नहीं तो भाई मैं चला अपने घर, मुझे नहीं करना कुछ काम। तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए होता है, एसिड उसका काम थोड़ा आसान कर देता है किसी भी चीज़ का काम, क्योंकि क्या है कि एसिड जब मिक्स होता है ना उस चीज़ के साथ में, फूड के साथ में, खासतौर पर प्रोटीन के साथ में, तो वो चीज़ सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाने के बाद में फिर उसको तोड़ना, डाइजेशन भी बेसिकली तोड़ना ही है, और वो डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे दांत खाने को तोड़ना शुरू करता है। फिजिकल डाइजेशन माउथ में होता है, केमिकल डाइजेशन स्टमक में होता है। जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा का काम ये होता है कि सलाइवा में ऐसे तो होता ही है, वो खाने को सॉफ्ट बनाता है। खाने को सॉफ्ट बनाने के साथ में मतलब हमें दांतों को एक सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है, साथ में जब वेटेड फूड हो जाता है तो वेटेड फूड इज ऑफ इसके थ्रू आसानी से खा सकता है, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करना ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं, वो तो जो आएगा सब सलाइवा तो वो सब चीज़ों के साथ मिक्स होता है। चलिए जी, अब आप नोट करिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगा, ये जो चीज़ें बताई हैं ना ये सारी चीज़ नोट भी करनी है, ये सारी चीज़ें इसी में आपको सब समझ में आनी शुरू हो जाएगी। नोट करिए इसमें 5.5, और ये जब ये भी हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में, डेंटल केयरिस में आता है वो कि अगर माउथ का जो पीएच वैल्यू है, यानी कि जो सलाइवा है, सलाइवा का जो पीएच वैल्यू है वो अगर कम हो जाए 5.5 से कम हो जाए तो हमारे मुंह से ना स्मेल आने लगती है। ठीक है, और ज़्यादा कम हो जाए तो वो हमारे दांतों की जड़ों पर असर दिखाने लगता है, और ज़्यादा कम हो जाए तो इतनी गंदी स्मेल आने लगती है। उस बीमारी को पायरिया बोलते हैं, जो गम्स हैं, गम्स भी ब्लैक 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 हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्रशिंग बहुत जरूरी है, ध्यान से। ठीक है, चलिए जी, अब देखिएगा इसमें आप तो द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की ट्रीटमेंट बींग आर various steps of nutrition the various steps of nutrition in human beings are first is ingestion step to say ingestion is when we are in the human beings have a special organ कैविटी होती है ना, मतलब हमने जैसे अपना मुंह खोला, मुंह के अंदर का जो पूरा स्पेस है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। सर पेप्सिन को भी कोई ऑर्गन सीक्रेट करता है फिर क्या होता है? पेप्सिन तो हमें अपने एंजाइम ही होता है, एंजाइम प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, और सर लिपेज भी एंजाइम ही बताता हूँ ना, क्योंकि द ह्यूमन बीइंग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। Special organ for the ingestion of food it is called mouth
लेकिन और ये बताने की जरूरत नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो था हमारा पैरामीशियम उसमें तो वो सिलिया उसको फ्लो करा करा कर धीरे धीरे फूड को और तक ले आता है, यहाँ तो हम हाथ से उठा कर खाते हैं। ठीक है, आप बोलो। इंजेक्शन में टंका भी रोल होता है? इंजेक्शन में तो हाथ का रोल है बस, खाना उठाया और रखा बस। इंजेक्शन मतलब सिर्फ इतना। अब आ जाइए डाइजेशन। ठीक है भाई, आ गया स्वाद, आ गया। ये भी तो आता है ना, वो किसी मीम में आता है, आ गया स्वाद। जी आ गया, आ गया। चलिए, ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन ऑफ फूड। आ गया स्वाद। बस बस बस, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन the digestion of food begins in the mouth itself. This happens as follows. इसके अंदर पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी कंटेन्स teeth, tongue and salivary glands. Teeth, tongue. The mouth cavity or buccal cavity contains teeth, tongue and salivary glands. Full stop. The teeth cut the food into small pieces. Next point में लिखेंगे। The teeth cut the food into The teeth cut the food into small pieces. Into small pieces, comma, chew and grind it. Chew and grind it. इसी में लिखेंगे next line. So the teeth help in physical digestion. इसी point में लिखना है. So the teeth help in physical digestion. So the teeth help in physical digestion. ठीक है, next point लिखेंगे, the salivary glands in our mouth produce saliva.
salivary glands in our mouth produce saliva. Full stop. Over time, helps in mixing the saliva with food. Mixing this saliva with food. Full stop. Saliva is a saliva is a watery liquid. Saliva is a watery liquid which wets the food in our mouth. Which wets the food. So that it can be swallowed easily. ताकि उसको easily swallow किया जा सके, so that it can be swallowed easily. Thus, salivary glands help in chemical digestion by secreting enzymes. Help in chemical digestion by secreting. तो क्या हुआ कि सलाइवा की हेल्प से फूड को, पहले तो टीथ की हेल्प से, जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है. अब जो टीथ है वो क्या होता है कि जो भी हमने खाना खाया उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, च्यू करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं आपस में. सो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन. तो फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या, फिजिकल ब्रेकिंग ऑफ, फिजिकली फूड को तोड़ने का काम सबसे पहले कौन करता है, टीथ करते हैं. उसके बाद द सलाइवरी ग्लैंड्स इन अवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा. जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. डंक की हेल्प से ये जो सलाइवा है, डंक की हेल्प से सलाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है. सलाइवा एक वाटर लिक्विड होता है जो कि फूड को वेट कर देता है, थोड़ा सा गीला कर देता है उसको फूड को, ताकि उसको सटकने में, स्वेलो करने में आसानी हो. ठीक है, अब ये जो थोड़ा बहुत डाइजेशन जो मुँह में हो चुका है, वो जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक जाते हैं. नोट करें, द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड is swallowed by the tongue and goes down the food pipe. Swallowed by the tongue and goes down the food pipe called esophagus. Esophagus.
कॉपी लेके पता नहीं क्या करते रहते हैं लेकिन छोड़ गया तो इसे हां कलाकारी भी खाता था एक्चुअली नोट करें slightly when this slightly digested food enters the when this slightly digested food enters the esophagus the walls of food pipe मतलब वही esophagus the walls of the walls of food pipe start contraction and expansion movement called peristaltic movement This movement pushes the food into the stomach. ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये ना फ्लेक्सिबल पाइप होता है जैसे यहाँ से फूड उस पर एंटर करा तो जिस जगह एंटर कर रहा है उस जगह से क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है तो उस जगह से ये एक्सपैंड हो जाता है पाइप ऐसे इसी की वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ पुश होता है जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई ये बलून है उसके अंदर आपने हवा भर रखी है ठीक है तो बलून के अंदर अगर हवा भर रखी है तो उसको अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो फूट सकता है अगर पूरा भरा हुआ है तो आपने उसमें आधी हवा भर रखी है आप उसको एक साइड से कंप्रेस करेंगे एक साइड से दबाएंगे तो आप देखेंगे दूसरी साइड सारी हवा इकट्ठी हो जाती है वो तो जहाँ से आपने उसको कंप्रेस करा है वहाँ से सारी हवा निकल के दूसरी साइड चली गई तो वो दूसरी जगह से फूल जाता है फिर आपने क्या करा कि दूसरी साइड से उसको प्रेस करा दबाया वो तो दूसरी साइड से आपने दबाया तो जो पहली वाली साइड है वो फूल जाती है तो वही चीज़ है कि अगर मैं एक जगह कंप्रेशन करूँगा तो दूसरी जगह एक्सपेंशन ज़रूर होगा तो ऊपर वाले हिस्से में कंप्रेशन हुआ तो ये जो आगे वाला फूड पाइप है ये एक्सपेंड हो जाएगा तो फूड यहाँ पर जाने लगेगा धीरे धीरे नीचे पीछे वाला हिस्सा कंप्रेस होता जाएगा आगे वाला हिस्सा एक्सपेंड होता जाएगा तो ये धीरे धीरे ऐसा जाएगा है ना तो ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल वाला जो नेचर है ये बहुत ज़रूरी है इसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो तो आपको खाना खाने का पता चलता रहेगा कि आपने खाना खाया और वो ढक से नीचे गिरा जाकर फिर आपने खाना खाया फिर गिरा पेट में जाकर तो आपको उसके गिरने की आवाज़ आती रहेगी यार ये पेट में जाकर गिर रहा है तो वो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसकी वजह से वो धीरे धीरे जा रहा है और आपको पता नहीं चलता उस चीज़ का एहसास नहीं होता स्वेलो करने के बाद क्या होता है वो तो कुछ नहीं पता ना वो तो सब अपना चला जाता है ठीक है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है बाकी स्टमक में क्या होता है ये फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है आज इतना ही कर दीजिए